बीजेपी की गढ़ हमीरपुर में विधानसभा चुनावों में पूरी तरह से सेंध लगाकर कांग्रेस ने 3 सीटों पर कब्जा किया है, जिससे कांग्रेस का कुनबा गदगद हो गया है। इसी के चलते जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में हमीरपुर मुख्यालय पर जिला कांग्रेस सम्मान समारोह के दौरान बकायदा 3 जीते हुए कांग्रेस के विधायकों को सम्मानित करेगी। समारोह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा प्रदेश के बड़े नेता भी शिरकत करेंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने बताया कि 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा किए जाने के बाद कांग्रेस उत्साहित है, क्योंकि 30 सालों के बाद हमीरपुर जिला में इतनी सीटें कांग्रेस को मिली हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी माह के अंतिम दिनों में समारोह का आयोजन हमीरपुर मुख्यालय पर किया जाएगा। भी जो है हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। उसके पश्चात जो हम लोग जो हमीरपुर जिला के अंदर 3 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने जीत सुनिश्चित की है, और ये एक ऐतिहासिक जीत है। 30 साल के बाद हम लोगों ने हमीरपुर जिला में 3 कांग्रेस की सीटें जीती हैं। उनके जो एक स्वागत और एक समारोह हमीरपुर जिला में किया जाएगा, और वो इसी माह प्रस्तावित है। उसमें हम लोग जो जीते हुए हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, और जो 2 विधानसभा क्षेत्र में हम लोग जहां हमने हार देखी है उनको भी बुलाया जाएगा, और उनका जो है यहां हमीरपुर जिला में जिला कांग्रेस कमेटी जो है उनका सम्मान करेगी और पूरी जनता का जो वो अभिवादन करके सभी का धन्यवाद करेगी। इस जो क्योंकि जो हमारे कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनकी विधानसभा क्षेत्र भी हमीरपुर जिला में नदौन विधानसभा क्षेत्र से, और वो भी वहां से उन्होंने जीत सुनिश्चित हुई है और जीतकर विधायक बने हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष जी तो आएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस जो अभिवादन समारोह है, सम्मान समारोह है, इसमें जो हमारे प्रदेश के बड़े नेता हैं उनको भी बुलाया जाए।